बीता साल सीक्वल फिल्मों के लिए कुछ खास नहीं रहा। अगर टाइगर श्रॉफ की बागी 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। चाहे नमस्ते लंदन हो या यमला पगला दीवाना फिर से, रेस 3 या फिर हेट स्टोरी 4 हो, इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन 2019 फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए काफी मनोरंजक होने वाला है, जहां पर एक बार फिर आपको सीक्वल फिल्मों की सौगात मिलने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी हैं वो फिल्में जिनके सीक्वल 2019 में रिलीज होने वाले हैं। टोटल धमाल। ये फिल्म 22 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे कलाकार स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। ABCD3। रेमो डिसूजा ने अपनी फिल्म ABCD3 के लिए एक बार फिर से वरुण धवन के साथ हाथ मिला लिया है। इस फिल्म में वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इस फिल्म का शूट 22 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में टाइगर मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन पुनीत मल्होत्रा ने किया है। ये फिल्म 10 मई को रिलीज होगी। हाउसफुल 4। हाउसफुल 4 फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति खरबंदा, कृति सैनन, पूजा हेगड़े, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, राणा दगुबत्ती और चंकी पांडे जैसे कलाकार दिखाई देंगे। ये फिल्म 2019 में दिवाली पर रिलीज होगी। दबंग 3। सलमान खान और अरबाज खान भी अपनी सुपरहिट सीरीज दबंग का तीसरा भाग लेकर इस साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रहे हैं। दबंग 3 में एक बार फिर सलमान खान चुलबुल पांडे बनकर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।